हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास नेबरहुड्स, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। इनको हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। अब इससे पहले हम सेट, सबसेट और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। इसमें हम इंटरवल्स देखते हैं। पहले देखते हैं इंटरवल्स। बेसिकली इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे पास? सपोज कि एक रियल लाइन है, रियल लाइन या एक्सटेंडेड रियल लाइन, जो कि माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक है। तो उस कंडीशन में एक इंटरवल होता है हमारे पास। इंटरवल को बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर है, आर स्टार, एंड बी बिलोंग्स टू आर स्टार, या हम कहें इसको कह सकते हैं ऐसे सारे सेट जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू, तो ये एक इंटरवल है हमारे पास। या हम कहें हर रियल नंबर जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। जरूरी नहीं है वहाँ पे इक्वलेंट का साइन हो, इक्वल का साइन हो या नहीं हो, तो ये अलग अलग डिफाइन होते हैं। इक्वल का साइन होने पे अलग तरह से इंटरवल होता है, और ये भी फ्रेंड्स ये इंटरवल ही है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो भी इंटरवल है, इक्वल का साइन है तो भी इंटरवल है। टाइप ऑफ इंटरवल्स में हम ये सारी चीजें देखेंगे कि इसको क्या, कौन सा इंटरवल कहते हैं, इसको कौन सा इंटरवल कहते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सपोज की एक इंटरवल है ये यहाँ पे ए टू बी एक इंटरवल है, तो उस कंडीशन में हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने सुप्रीमम एंड इन्फिमम देखा था, तो इसमें अगर हम सुप्रीमम और इन्फिमम देखें तो सुप्रीमम क्या होता है, पहले भी देख चुके हैं। सुप्रीमम जो होता है लोएस्ट अपर बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड जो होता है वो सुप्रीमम होता है। तो लोएस्ट अपर बाउंड क्या है इसका? बी। बी जो है वो लोएस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम होता है। और इन्फिमम की बात करते हैं तो इन्फिमम होता है हमारे पास हाईएस्ट लोअर बाउंड। तो हाईएस्ट लोअर बाउंड क्या होता है इसमें? ए। तो इन्फिमम जो होता है ए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इंटरवल के भी लो सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सुप्रीम, इस तरह से इंटरवल को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ टाइप के इंटरवल हैं। अगर हमारे पास सपोज कि इस तरह से है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल की कंडीशन में होते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, जहां पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। अगर हमारे पास एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो एक्स जो है, जैसे इधर से क्लोज था तो एक्स जो है वो, सॉरी, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, बट क्योंकि यहाँ ओपन है तो स्ट्रिक्टली ग्रेट लेस देन बी, एक्स जो है स्ट्रिक्टली लेस देन बी। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनइक्वल, जहाँ पे ओपन है वहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, इधर इनइक्वलिटी का साइन आया है। तो इस कंडीशन में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह से वो क्लोज इंटरवल हो तो उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, और अगर इस तरह से इंटरवल हो तो उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेबरहुड की। नेबरहुड्स क्या होता है हमारे पास? अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर इज एन इंटरवल ऑफ द फॉर्म पी माइनस डेल पी प्लस डेल। सपोज कि हमारे पास एक इंटरवल है इस तरह से, जहाँ पे पी जो है उसका एलिमेंट है एक इंटरवल का, तो उस कंडीशन में पी का नेबरहुड क्या होगा? पी का नेबरहुड पी माइनस डेल से एंड पी प्लस डेल, जहाँ पे डेल जो होता है फ्रेंड्स एक ग्रेटर देन जीरो नंबर होता है, कोई ग्रेटर देन जीरो नंबर होता है, तो ऐसा एक सेट जो होता है वो इंटरवल या नेबरहुड डिफाइन होता है। बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम कहें तो नेबरहुड क्या होता है? एक नेबरहुड भी एक इंटरवल होता है, नेबरहुड भी एक इंटरवल होता है। तो ये हो गया हमारे पास, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है 1.2 से 1.8 इज अ नेबरहुड ऑफ 2, क्योंकि 2 के, अब 2 का बोला है हमने तो क्योंकि 2 जो है इसका मिडिल पॉइंट है। और जैसे अगर हम यहाँ पे 3 का नेबरहुड बोलना चाहें तो 3 का नेबरहुड एक, जैसे 3 का नेबरहुड निकाल रहे हैं हम, तो 3 का 2.9 एंड 3.1,
ये भी नेबरहुड है, और 3 का 2.8 एंड 3.2 यानी जो मिडिल पॉइंट है इनका, ये भी नेबरहुड है, यानी 3 के नेबरहुड ये भी है और ये भी है। टाइपिकल नेबरहुड ऑफ जीरो इज ऑफ द फॉर्म, तो नेबर जीरो का नेबरहुड किस तरह से माना जाता है, जीरो का नेबरहुड को हम इस तरह से भी देते हैं माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, रियल पॉजिटिव नंबर होता है, रियल पॉजिटिव नंबर होता है। नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी इन आर, अगर हम एक्सटेंडेड आर स्टार में इन्फिनिटी का नेबरहुड देखना चाहें, यानी आर यूनियन ये जो एक्सटेंडेड आर था इज अ रे ऑफ द फॉर्म, तो इसका हमारे पास नेबरहुड की बात करें तो ये हमारे पास टी टू इन्फिनिटी, टी एंड इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार एंड एक्स ग्रेटर देन जहां पे टी है। इसको एक एग्जांपल से समझें कि अगर सपोज कि हमारे पास इन्फिनिटी का कोई भी हमारे पास इन्फिनिटी पर देना चाहे तो 5 इन्फिनिटी या 6 इन्फिनिटी, कोई भी नेचुरल नंबर या रियल नंबर जो होगा वो एंड इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन एंड इन्फिनिटी लेस सॉरी इन्फिनिटी प्लस डेल एंड इन्फिनिटी माइनस डेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो इसका एक ये भी कह सकते हैं इन्फिनिटी का जो नेबरहुड होगा वो इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में हमने देखा कि इन्फिनिटी में कुछ ऐड करने पे प्लस समथिंग पॉजिटिव जो है वो भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो भी इन्फिनिटी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी का नेबरहुड जो है वो इन्फिनिटी होगा। इसी तरह अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात करें, माइनस इन्फिनिटी का नेबरहुड की बात करें, तो माइनस इन्फिनिटी का नेबरहुड जो होगा कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी जैसे 5 सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 5, ये भी एक इसका नेबरहुड होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 4 या 3 2 कोई भी रियल नंबर हो यहाँ पे वो इसका एक नेबरहुड होगा, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का नेबरहुड होगा जो वो इस फॉर्म में होगा माइनस इन्फिनिटी टू एस, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार और एक्स जो है वो लेस देन एस है, एक्स जो है वो लेस देन एस है यानी कि इस एस से छोटा नंबर है। अब फ्रेंड्स जब हम नेबरहुड को समझ चुके हैं तो अब नेबरहुड में हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन देखते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात करते हैं। सपोज कि हमारे पास दो इंटरवल हैं एस वन एंड सॉरी आई वन एंड आई टू दे लेते हैं इसको, आई वन एंड आई टू ये दो इंटरवल हैं, तो इनका अगर यूनियन की बात करें तो आई वन यूनियन आई टू ये एक इंटरवल होगा। कब होगा ये इंटरवल? अगर इसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन है, यानी आई वन इंटरसेक्शन आई टू नॉट इक्वल टू फाइव, तो उस कंडीशन में तो ये एक इंटरवल होगा, अदरवाइज ये एक इंटरवल नहीं होगा। अगर देखें तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से, वन एंड टू एंड 3 एंड 4, तो यहाँ पे हम देखें तो 1 इनका यूनियन जो होगा ये होगा हमारे पास, बट जब हम इसकी बात करें तो एक एलिमेंट जो कि हमारे पास 2.5 है सपोज, वो लेस देन 1 तो है इंटरवल की डेफिनेशन से, वो 2.5 जो है वो सॉरी 2.5 से 1 तो है, बड़ा है 1 और साथ में ही ये 4 से छोटा है, तो ये इंटरवल की कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, बट जब 2.5 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू इंटर जो यूनियन है, इन दोनों के यूनियन में से नहीं है, तो हमारे पास यहाँ से दो दो इंटरवल्स का यूनियन जो होगा वो इंटरवल होगा अदर अगर उसमें कोई भी एक एंट्री कॉमन हो, अदरवाइज वो इंटरवल नहीं होगा। इंटरसेक्शन हमेशा एक दो इंटरवल का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा एक इंटरवल होगा, तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखना है, इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा इंटरवल होगा बट यूनियन हमेशा इंटरवल नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।